दोस्तों अगर आप लोग भी डिजी लॉकर का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप डिजी लॉकर का अकाउंट कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है प्ले स्टोर से डिजी लॉकर को डाउनलोड कर लेना है मेरे पास पहले से डाउनलोड है तो मैं क्या करता हूँ इसको डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर लेता हूँ ठीक है तो ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने भी कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर आने के बाद दोस्तों थोड़ी देर वेट करना होता है वेट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है अब दोस्तों आपको सिंपल से गेट स्टार्टेड के बटन पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा यहाँ पर साइन इन वो लोग करेंगे जिनका अकाउंट क्रिएट है वरना आप लोग क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आप दोस्तों यहाँ पर आपको सारी डिटेल जो है अपने आधार से मैच डालनी है जो भी आपके आधार पर नाम है डेट ऑफ बर्थ है और मेल फीमेल जो भी हो आप मोबाइल नंबर भी आपको आधार से जो लिंक है वही मोबाइल नंबर डालना है उसके बाद आपको जी मेल जो है डालने तो डाल दीजिए वरना आप लोग रहने दीजिए ठीक है उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी पिन मांगता है सिक्योरिटी पिन आपको नया जो क्रिएट करना चाहते हैं छः अंकों का आपको एक पासवर्ड बनाना रहता है जो कि आप लॉगिन के टाइम पर यूज कर सकते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर ये सारी चीजें फिलअप करने के बाद आपको सिंपल से सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा जैसे ही आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओ भेजा जाएगा ओ आप लोग यहाँ पर एंटर कर देंगे तो हमारे नंबर पर ओ आ चुका है हम ओ टी पर डाल देंगे उसके बाद आपको ओ डालने के बाद सिंपल से सबमिट के ऑप्शन पर फिर से दोबारा से क्लिक कर देना है जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों यहां पर आपको अपना आधार नंबर डाल देना है ठीक है अब आधार नंबर डालने के बाद आप लोग जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आप लोग ध्यान रखिए जो भी आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओ जाएगा तो हम सिंपल से दोस्तों आधार नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करा आप दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर के लास्ट के फोर डिजिट भी दिखा दिए जाएंगे जिस नंबर पर आपका ओ गया है तो ओ आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर गया है वो ओ आप लोग यहाँ पर एंटर कर दें जैसे ही आप लोग अपना ओ टी पी पर एंटर करेंगे उसके बाद दोस्तों आप लोग सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने भी कुछ ऐसा इंटरफेस आ सकता है लेकिन सब में नहीं आएगा पर ये अकाउंट पहले से क्रिएट दिखा रहा है क्योंकि ये पहले से मेरा अकाउंट बना हुआ है आप लोगों का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा एंड उसके बाद आप लोग लॉकर को यूज कर पाएंगे